तो ये देखिए जनाब, ये है जन्नत जिसके लोग हैं यहाँ पर दीवाने। ये देखो भाई क्या बात है। मनमीत कह रहा है कि भाई दो बटर नान मंगवा लो और इसी के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं खाने के लिए। और ये ग्रेवी में लगा के ये ऐसे देते हैं भाई। लोग बाहर रुमाली रोटी के साथ लपेटे जा रहे हैं। क्या चीज़ है इनकी, आप ये देख सकते हो भाई। और ये रहा इनका वेज कीमा। ये अपना वो हो गया ना, न्यूट्री हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया चल रही है। ओ भाई ये तो दो क्वार्टर डाल दिया। ओ भाई ये कितने किलो प्याज डाल दिया भाई। तो लीजिए जनाब, आज हम आए हैं गीता कॉलोनी। यार दोबारा से गीता कॉलोनी, लेकिन आज ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ के मैसेजेस हमारा इनबॉक्स भर चुका है कि भैया इसकी सोया चाप नहीं खाई, आप करने क्या गए थे गीता कॉलोनी। रमेश वैष्णो ढाबा, जो कि यहाँ का काफ़ी पॉपुलर ढाबा है, जो कि 1992 से सर्व कर रहा है। एंड इनकी यहाँ पे दो ब्रांचें आई थी जो कि मैंने देखी है। ये वाली ब्रांच में आए हैं जो कि गीता कॉलोनी शिवपुरी से लगती है, जो कि लिंक रोड है। और भीड़ देख सकते हो कि भीड़ बता रही है कि खाना कितना बढ़िया है, खुशबू आ रही है। वो टेस्ट करते हैं इनके तवा आइटम, तवा चाप इनकी बहुत फेमस है। प्याज की रोटी भी कह रहे हैं भैया कि प्याज की रोटी ज़रूर खाना, और इनकी दाल मखनी और कुछ तंदूरी आइटम। चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि उनको कैसा लगता है यहाँ का खाना। देखते हैं पहले एक्चुअली कि सर्व कैसे हो रहा है, बनता कहाँ पे है। चलिए चलिए पहले खुद टेस्ट करने से पहले ज़रा एक बार ग्राहक से तो पूछा जाए एक्चुअली में। ये भाई साहब है जिन्होंने पैक करवाया है, और ये भाई साहब है जो आपके सामने खा रहे हैं। पहले मैं खाने लगा पूछता हूँ, आपका नाम क्या भैया? ललित भारद्वाज। आप मुझे पहले ये बताओ कि ये ऑर्डर क्या किया आपने? ये मसाला चाप। मसाला चाप, और आप मैं देख रहा हूँ कि रोटी के साथ खा रहे हो चाप, मतलब सूखी सब्जी और रोटी के साथ खा रहे हो। पर लोग तो ग्रेवी वाला आइटम लेते हैं। ग्रेवी वाला, लेकिन डिफरेंट टेस्ट करना था ना आज। अच्छा, बटर वगैरह भी है। हाँ वो ग्रेवी वाली, इसलिए वरना ग्रेवी वाले में खाता हूँ मसाला। ये तवा चाप आज थोड़ा डिफरेंट। तीन साल कम से कम। तीन साल हो गए। तो रमेश चाप वाला के नाम से ये फेमस है काफी। तो आपको लगता है कि ही इज द बेस्ट इन दिस? यस, इस एरिया में ही बेस्ट है। इस एरिया में बेस्ट है। अगर 10 में से रेटिंग दोगे कितने दोगे टेस्ट? नो कम। अब आप बताओ, आपने क्या पैक कराया पहले? मैं दाल मखनी पैक कराई है, जो कि यहाँ की फेवरेट है। आलू प्याज पराठा पैक कराया मैंने, वो फेवरेट है, बहुत अच्छा है। और मैं इसको रेटिंग 9 देता हूँ मैं। क्या बात है भाई, अगर आप भी यहाँ पर आसपास कहीं रहते हो, ये देखो भाई, ये भाई साहब ने, ये देखो ये एक भैया है जिन्होंने कितनी प्लेट है भाई, 11 प्लेट पैक कराई है इन्होंने सोया चाप। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा क्या है इस रमेश ढाबा के अंदर जो लोग पैक करा के मसाले 10-10 प्लेटें 11-11 प्लेटें पैक करा रहे हैं, कमाल है यार। तो चलिए पहले इन भाई साहब से भी ले लो सारा, अगर आप डिस्टर्ब ना करो आपको। टेस्ट बताओगे सर? पहले टेस्ट बताओ। ये देखिए क्या क्या आइटम के लिए स्टफ मलाई चाप है, ये पनीर टिक्का। अच्छा, ये स्टफ मलाई चाप है, दिस वन इज पनीर टिक्का। और कितना टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को सर 7-8 साल हो गए यहाँ पे। 7-8 साल हो गए। टेस्ट बढ़िया है? टेस्ट अच्छा तभी तो आ रहा हूँ सर, मतलब कि क्वालिटी मेंटेन है इसलिए बार बार आ रहे हैं। महीने में कितने चक्कर लग जाते होंगे? मेरे महीने में ऐसा कुछ नहीं, जब मूड बनता मैं आ जाता हूँ। क्या बताओ सर, मौसम भी तो मौसम अच्छा था। आपको सही लगा टेस्ट? बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो 10 में से रेटिंग दोगे तो कितना दोगे? 9 फूड क्वालिटी, 9-10। भाई साहब 9-10, मतलब 9 से नीचे अभी तक 4-3 बंदे से पूछ चुका, किसी ने नहीं बताया। अब चल के बताते हैं आपको कि क्या लगती है सोया चाप तवे वाली, जिसके लोग हैं दीवाने, और फिर करेंगे टेस्ट इनकी स्टफ चाप। चलिए। तो ये देखिए जनाब, ये है जन्नत जिसके लोग हैं यहाँ पर दीवाने। ये है इनकी तवा चाप, है ना। ये देखो भाई क्या बात है। मनमीत कह रहा है कि भाई दो बटर नान मंगवा लो और इसी के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं खाने के लिए। एंड दिस वन इज तवा पनीर। आप देख सकते हो कि पनीर का मैरिनेशन किया हुआ मसाले लगा के, और ये ग्रेवी में लगा के ये ऐसे देते हैं भाई। लोग बाहर रुमाली रोटी के साथ लपेटे जा रहे हैं। क्या चीज़ है इनकी, आप ये देख सकते हो भाई। सोया चाप का तो दिल आ गया एक्चुअली सही में। ये देख भाई मन्नी, ये देख, लुक एट दिस। ओए होए, ये ऑयल देख रहे हो, ऑयल जो ये बार बार ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स की ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, जो कि ऑयल अच्छे से पक चुका है। और ये रहा इनका वेज कीमा। ये अपना वो हो गया ना, न्यूट्री हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बनवाते हैं यार हम कुछ आइटम अपने, हैं भाई स्टफ चाप बनवाते हैं, दाल मखनी खाते हैं, और ये खाते हैं इनकी तवा चाप। चलिए। तो ये देखिए भाई, ये बन रही है इनकी दाल मखनी, जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस है जैसे कि इन्होंने बताया। आइटम बहुत बढ़िया है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ओ मेरी जान, धनिया अदरक, क्या बात है, मज़ेदार चीज़ है मन्नी, मच बेटर देन चटर ढाबा देखने में। दाल का एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये डलेगी, बढ़िया क्रीम डाल देगा भाई। ये मक्खन कौन सा? अमूल बटर है, मनमीत की फेवरेट। मक्खन भी डाल देंगे भैया, मज़ेदार। क्रीम डल गई है। ओ भाई, ये तो दो क्वार्टर डाल दिया भाई, मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले अब अगला आइटम ले, तवा चाप लेते हैं और फिर सब चाप लेके टेस्ट करते हैं। आ जा, ये देखिए भाई, ये लग रही है इनकी फेमस प्याज वाली रोटी। मसाला लगाया है प्याज को मैरिनेट करने के लिए, ताकि थोड़े मसाले अच्छे से रहे। ओए होए मन्नी, ओ भाई ये कितने किलो प्याज डाल दिया भाई, भाई तो बड़ी मस्त लग रही है। भाई आटे में प्याज डाला, प्याज में आटा डाला, मैं तो बोलूँगा प्याज वाला आटा ही है भाई। पर जो भी है, अगर आपको प्याज वाली रोटी, प्याज वाला पराठा पसंद है ना, देन आपको रमेश ढाबा पे आके ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ में दाल मखनी लो या तवे वाली चाप, मज़ेदार खाओ। अभी बताते हैं आपको टेस्ट करके कैसा इसका टेस्ट। ओए होए होए, क्या बात है। ये है जी प्याज वाला हमारा रोटी। चलते हैं, करते हैं टेस्ट। स्टफ चाप पहले बनवाते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। ये देखो भाई, ये है इनकी स्टफ चाप। स्टफ चाप, स्टफ बटर, स्टफ मलाई चाप। ओए होए, ये है स्टफ मलाई चाप। तो मलाई तो है नहीं इसमें, नाम तो है स्टफ मलाई चाप है, इसके बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है। अच्छा, अरे वाह भाई, अरे टेस्ट फिर मन्नी है, ये सारी हमारी है, तेरी है सर भाई। ये देख भाई, ये पैकिंग हो रही है। एक प्लेट में कितने आते हैं? चार पीस। चार पीस भाई, क्या बटर से भरी बड़ी है, लटपट है। अरे स्टार्ट करें, आ जाओ भाई टेस्टिंग करते हैं। तो लीजिए जनाब, टेबल सज चुका है। आप, मैं आपको दिखाया था, ज़रा एक बार पास आ जाओ। लुक एट दिस, तवा चाप है ये इनकी। दिस वन इज दाल मखनी, जिसके ऊपर मक्खन तैर रहा है, बटर और साथ में क्रीम भी है। मिर्ची का अचार, जो कि सिर्फ मनमीत खाता है। ये है इनकी स्टफ चाप, अभी देख रहे हो ये मक्खन है। हाय हाय हाय, क्या बात है। और ये देखो, ये है इनका तवा पनीर। लुक एट दिस भाई, ग्रेवी सबकी अलग है। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा, देख रहे हो ग्रेवी, देख इसकी ग्रेवी देख, और इसकी इसकी ग्रेवी देख। और ये रही इनकी प्याज वाली रोटी, प्याज भरा पड़ा है। सिंपल रोटी है, बेस्ट बटर नान है। पहले स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से करूँ? सोया चाप से स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टफिंग बहुत बढ़िया है। न्यूट्री डाला, न्यूट्री पनीर, पनीर की स्टफिंग है। एक फुल क्या, एक फुल प्लेट में चार आती हैं। वो अंदर है पनीर, बहुत बढ़िया। लेट मी ट्राई दिस, तवा चाप मैं बाद में खाऊंगा, पहले वेजिटेरियन पनीर, क्योंकि तो वेज लोगों का चिकन होता है ये। अरे वाह, भाई वाह, ये पराठा देखने में बहुत वो लग रहा है, बट है बड़ा हैवी। ऐसी बिना सब्जी के खाते, इसको ये इंडियन पिज्ज़ा बोलते हैं। अनियन पिज्ज़ा, सोया चाप, जिसके लोग दीवाने हैं यहाँ पे। भाई इसका तवा देखा था, वो बड़े वाला। हम्म,
भाई वाह, कंफ्यूज हो गया यार क्या क्या खाऊं। तो अगर आप गीता कॉलोनी शिवपुरी नहीं आ सकते हो तो बताओ, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप घर बैठे बैठे स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लो, पर ऑर्डर करो, खाओ, टेस्ट का मज़ा लो और हमें बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर आप यहाँ आ सकते हो तो यहाँ पर आके ज़रूर ये ट्राई करना। लेट मी टेक दिस बाइट। ओह अकेला नहीं खा पाऊंगा ये सब, बंदे चाहिए बंदे। वाह, ये ट्राई करो, सोए कब तो ट्राई करो। ये आ गया इनका नया आइटम, पालक छोले। ये इन्होंने रिकमेंड किए हैं, मैंने ऑर्डर नहीं किया। ये कह रहे कि भाई ये खा के देखो, ये इनके बहुत फेमस है, पालक और छोले। ओह ओ, भाई बहुत बढ़िया। अगर आप भी ये सब चीज़ें खाना चाहते हैं ना, रमेश वैष्णो ढाबा, सारे के सारे आइटम जितने भी हैं उसकी रेट लिस्ट आपको नीचे दिख गई है। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर दीजिएगा कि आप कॉल करके इनके डिलीवरी बॉय भी मंगा सकते हो। कितने किलोमीटर तक की डिलीवरी है? इनके डिलीवरी बॉय 2 किलोमीटर करते हैं और स्विगी ज़ोमैटो आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर तक। तो जल्दी से फ़ोन घुमाओ, ऑर्डर करो स्विगी ज़ोमैटो या इनका फ़ोन नंबर, और हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चीयर्स।